हेलो दोस्तों, माय नेम इज डॉक्टर नैनी शाहिर। आई एम डॉक्टर रुजुता पुराणिक एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जेन जी डॉक्टर्स। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में एंड आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। टुडेज टॉपिक इज अबाउट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स इन इंडिया। इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाले हैं, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड इफ यू आर समवन फ्रॉम अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस। सो इफ यू गाइस डोंट ऑलरेडी नो, हमने भी हमारा MBBS एक सोलापुर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से किया है एंड आफ्टर स्पेंडिंग 6 years इन MBBS हमने ये रियलाइज किया है दैट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज इनिशियली वी हैव ऑल्सो फेस्ड देम। सो बेसिकली हम लोग ये बताना चाहते हैं कि कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है, कोई डीम्ड में है, कोई गवर्नमेंट में है, कोई फॉरेन में है, बट हर कोई अपने पेरेंट्स की ड्रीम पूरी कर रहा है, अपने क्लोज वंस की ड्रीम पूरी कर रहा है एंड इन द एंड हर एक को एक अच्छा डॉक्टर बनना है। हर एक के लाइफ के सर्कमस्टेंसेस बहुत अलग होते हैं एंड दैट्स व्हाई एवरीवन एंड्स अप इन द प्लेस दैट दे आर करंटली। बट डिस्पाइट ऑफ दिस मोस्ट ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट हैव दिस मैसिव गिल्ट ऑफ नॉट गेटिंग इन टू दैट ड्रीम कॉलेज एंड हम लोग खुद लाइफ के उस फेज में थे जहाँ पे हम लोग खुद को एक फेलियर समझते थे एंड हम लोगों को लगता था कि लोग हमें बहुत ज़्यादा जज करने वाले हैं एंड हम लोगों को लगता था कि अगर हमने पहले बहुत ज्यादा पढ़ाई की होती तो वी वुड हैव एंडेड अप बीइंग इन द बेस्ट कॉलेज ऑफ दिस कंट्री। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अंडर कॉन्फिडेंट। बेसिकली द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स हैव जस्ट एक्सेप्टेड द फैक्ट कि वो अब लाइफ में कुछ और कर नहीं सकते एंड दिस इज इट। And we are not talking about all the private medical college students, but most of them go through this phase. And they are, you know, intimidated by all these big college names and they feel ki life mein jo kuch ukhadna hai na, wo inhi logon ne ukhadna hai aur wo kuch kar nahi sakte. Ab main aapko ek example deti hu, hamara jo private medical college hai na Solapur mein, it comes under the Maharashtra University, which is the same as all the government colleges in Maharashtra. So basically in the end, all the students are giving the same exam. And they have an equal opportunity to, you know, bounce back in life. And moreover, more than 40,000 private medical college students become MBBS graduates every year. So I feel it's high time we stop discriminating. हाँ, एक बात तो है, the students, those who have made it to the top institutes, will have more exposure and will carry that confidence. But ये बात तो नहीं है कि उनकी life पूरी sorted है. After you complete your MBBS, आप सब लोग एक baseline से शुरू करते हो, आपको एक NEET PG की exam देनी पड़ती है, जिसके basis पे आपका specialization होता है and आपको आपका dream college मिलता है. जब हम लोग YouTube शुरू कर रहे थे, तब there was rarely anyone who was from private medical college and was creating content. तब हम लोग जो टॉप क्रिएटर्स है, टॉप इंस्टीट्यूट से, उनसे बहुत ज्यादा इंटीमिडेट होते थे उनके नंबर्स देख के, उनकी लाइफ देख के. बट हम लोगों ने तभी डिसाइड किया था कि हम लोगों की लाइफ अलग है, हम लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग है, तो हम लोगों को कंटेंट भी अलग बनाना है. That's why we stuck to our strength of producing humor. And after जैसे जैसे growth हो गई हमारी social media पे, then we came in contact with several students who are from top institutes and like all the medical college students in India basically. तब हम लोगों को ये बात realize हुई, यार इनके problem भी तो हम जैसे ही है. Exactly, सबके दिमाग में एक ही question है, MBBS के बाद क्या करना है, portion कब खत्म होगा, NEET PG crack कैसे करनी है. So इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हो, अगर आप पेरिफेरल सिटी से हो या फिर आप टॉप इंस्टीट्यूट से हो, इट डज नॉट मैटर बिकॉज व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट एंड हैव द गट्स टू यू नो डू व्हाट यू वांट. अगर आप लोगों ने अभी से ही सोच लिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, देन यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल. अगर आपको कुछ क्रिएटिव करना है, अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, अगर आपको लगता है ये सब सिर्फ टॉप इंस्टीट्यूट्स के बंदों का काम है, देन यू आर लूजिंग द होप इन योर लाइफ ब्रो. ऐसी बात नहीं है, हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है लाइफ में बाउंस बैक करने के एंड टू क्रिएट देयर ओन वर्ल्ड. एंड आपको कोई भी नीचे गिराना नहीं चाहता, हर एक के लाइफ के प्रॉब्लम्स अलग है, हर एक अपने लाइफ को अलग वे से डील कर रहा है एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी यू अगेंस्ट यू. एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अच्छा कॉलेज नहीं है, आपको फिर भी कंटेंट बनाना है, तो आपको ये बात दिमाग में डालनी पड़ेगी कि आपको कंटेंट के बेसिस पे ही ऑडियंस मिलने वाला है, नो मैटर आपके पास कौन सा इंस्टीट्यूट है या फिर क्या है. द पीपल आर ओनली एंड ओनली गोइंग टू फॉलो इफ यू आर गिविंग देम गुड कॉन्टेंट, नो मैटर वो किस डिरेक्शन में हो. एंड बेसिकली अगर आप देखोगे तो ऑडियंस को दो ही चीजें चाहिए, या तो दे वॉन्ट नॉलेज और एंटरटेनमेंट. तो आप अपने तरीके से उस कॉन्टेंट को प्रोड्यूस कीजिए ताकि वो ऑडियंस आपके पास अट्रैक्ट हो. एंड इन दी एंड कोई भी फील्ड में हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड योर ओन वे टू रीच आउट टू योर ऑडियंस एंड यू विल डेफिनेटली गेट दैट ऑडियंस. अगर आपको लगता है कि आपके पास टॉप इंस्टीट्यूट का टाइटल है एंड फिर आपके पास ऑडियंस आएगा, डेफिनेटली आएगा, आपके नंबर्स इनिशियली बढ़ेंगे, इजिली बढ़ेंगे, बिकॉज पीपल आर ड्रीमिंग अबाउट दोज इंस्टीट्यूट.
बट इन दी एंड इट्स द पर्सनैलिटी जिसको ऑडियंस टक रहने वाला है, इट्स नॉट द इंस्टीट्यूट और द टाइटल. सो बी वेरी क्लियर इन योर माइंड वाइल क्रिएटिंग एनी फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट और बिफोर एंटरिंग एनी क्रिएटिव फील्ड. अगर आपके पास वो पोटेंशियल है, वो डायरेक्शन है, आपको लाइफ में जो पोर्ट्रे करना है उसके लिए, देन यू विल डेफिनेटली गेट दैट ऑडियंस. एंड ऑडियंस इतना बड़ा है, इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि आपको बस आपके काम पे कंसिस्टेंट रहना है एंड फोकस रहना है, एंड ऑडियंस खुद आपके पास चला आएगा. तो गाइज, पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये था कि आप नो मैटर किस प्लेस में हो, किस पेरिफेरल विलेज में हो, जो भी हो, जहां भी हो, आप आपकी लाइफ सॉर्ट कर सकते हो. एंड आपने गलती की नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके. बहुत लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं. इट्स नॉट अ मिस्टेक एंड यू कैन शाइन इवन इफ यू आर इन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. राइट राइट राइट. यू कैन मेक योर लाइफ किंग साइज नो मैटर वेर यू आर. एंड डोंट स्टॉप ड्रीमिंग, बट ड्रीम विथ योर आईज ओपन ब्रो. ड्रीम विथ योर आईज ओपन. आईज ओपन. ओके, वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है. हाँ, सपने रात को नहीं देखते, उठ के उन सपनों पे काम करना चाहिए. तो नो मैटर आप कौन से फील्ड में हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी करो, ब्ला 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 ब्ला, मेरे को आगे का याद नहीं आ रहा है. बट इन द एंड यही बोलना चाहता हूँ कि काम करते रहो, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, क्रिएटिव रहो, सब कुछ आपको मिल जाएगा. ओके, राइट. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको आगे कुछ और वीडियो चाहिए, आपके दिमाग में कुछ टॉपिक है, तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार.